छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में डीआरजी और सीआरपीएफ की टीम ने दो माओवादियों को विस्फोटक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि प्रदेश भर में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत डीआरजी और सीआरपीएफ की टीम एरिया डोमिनेशन के लिए ग्राम गोरखा कोत्ताचेरू के आसपास के जंगलों में गश्त पर निकली थी। अभियान के दौरान गोरखा कोत्ताचेरू के मध्य पुल के पास में कुछ संदिग्ध व्यक्ति पुलिस की टीम को देखकर भागने लगे, जिसमें से दो संदिग्ध व्यक्तियों को घेराबंदी करके पकड़ा गया है। पकड़े गए संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने पर दोनों ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन में 5 वर्षों से डीए केएमएस सदस्य और मिलिशिया सदस्य के पद पर कार्य करने बताया है। वहीं पुलिस के आने जाने वाले मार्गों की रेकी करना और पुलिस को नुकसान पहुंचाने की नियत से आईईडी प्लांट करना भी उन्होंने कबूल किया है। वहीं आरोपियों की निशानदेही पर 2 नग बीजीएल बम, 10 नग जिलेटिन रॉड, 10 मीटर कॉर्डेक्स वायर, 5 नग डेटोनेटर, 1 बंडल बिजली वायर भी बरामद किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए विजय पचौरी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विजय पचौरी जी, एक तरफ सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर नक्सली अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी वारदात भी निकलकर सामने आ रही है कि विस्फोटक पदार्थ भी और पुलिस के साथ में कुछ नक्सली साजिश करते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष, मैं बता दूं कि सुकमा इलाका जो है वो इस इलाके में प्रतिदिन जो है सुरक्षा बल के जवान सर्चअप हाल पर निकलते हैं और नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है। आज भी भेजी इलाके में जो गोरखा और कोत्ताचेरू का जंगल था, उस इलाके में जब जवान सर्च अभियान कर रहे थे, कुछ संदिग्ध व्यक्ति जवानों को देख करके भागने लगे तो उन्हें घेराबंदी करके पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई है तो उन्होंने बताया कि वो कई सालों से नक्सली संगठन में रह के बड़े नक्सलियों के लीडर के कहने पर सड़क खोदना, पेड़ काटना और जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी प्लांट करना, ये कामों में वो संदिग्ध थे। पकड़े गए जब नक्सलियों की तलाशी ली गई है तो उनके पास से नक्सली सहित सामग्री और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। दोनों माओवादियों को मुख्यालय सुकमा लाया गया है, जहाँ पे नक्सल गतिविधियों की अहम जानकारी निकलकर सुकमा पुलिस के सामने आई है। और जिन नक्सलियों ने गिरफ्तार नक्सली जो है उन्होंने जब सुकमा पुलिस को बताया तो आने वाले समय में और नक्सलियों की गिरफ्तारी हो सकती है और कई बड़ी सफलता यहाँ पे सुकमा पुलिस को मिल सकती है। मनीष जी, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए विजय जी आपका बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें सुकमा से, जहाँ पर विस्फोटक पदार्थ के साथ में पुलिस की टीम ने दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास में कई विस्फोटक सामग्री भी पुलिस ने बरामद की है।